गाइस तो कैसे हो आप सभी लोग, मैं हूं आपका अपना कौन क्या। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। लेट्स गो। बात इस तरह है यार कि मैं आया हूं आज बहुत मतलब रोजा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं फिर भी कहा एक और चलते थर्ड ईयर में शायद ये हमारा मतलब 13 डेज है, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। क्लासेज भी चल रहे, तो अभी हमारा पहला क्लास है जनरल मेडिसिन का, दूर चलते हैं एचओडी के साथ मिलेंगे मैं और मरक साहब है, सही है ना। चलते सीधा उधर क्लास लेते फिर आपके साथ मिलते हैं। तो लेट्स ग्रो दानिश भाई को लेना है पहले। दानिश भाई ले आज के बाद ये हमारे साथ ग्रुप में है बड़ी, और ये एचओडी को फारिग कर रहा हूँ। इस तरह इंट्रोड्यूस रमजान में क्लासेस लेना बहुत मुश्किल काम है। रमजान लेकिन हम तो सोते रहते हैं सारा दिन, हमारे क्या मुश्किल बात है। तो क्लास 40 को स्टार्ट हो रही है, 8:50 हो रही है, लेकिन अभी तक भी आए ही नहीं। चलो अच्छा टीचर हूँ ना, जल्दी नहीं कोई क्लास लेते दो क्लास के फिर उसके बाद ले आज कौन से अचानक सर जी है। फिर उसके बाद हमारा क्या बोला सर उसके बाद क्या करते आपको अपडेट करेंगे अगर ये क्लास स्टार्ट हो जाए और मंथली हो जाए तब, सही है। और इस तरह है क्या जन सर्जी का लेफ्ट सर बैठे सामने, तो मैं ब्लॉग ब्लॉग शायद नहीं बना सकता इतना खास। बस अभी एचओडी से पूछते हैं, एचओडी आर यू एक्साइटेड फॉर योर थर्ड ईयर। अलग बहुत प्यारे आ रहे हैं यार आज ब्लॉग में, मैं आपको दिखाता हूँ सबर करो। ये जब प्यारा आते हैं ब्लॉग में तो बड़ा खुश होता है। दानिश भाई एक्साइटेड हो कि नहीं थर्ड ईयर के लिए? मच मोर कंटेंट टू कम टुगेदर। दानिश भाई आज के बाद हमारे ग्रुप में है ना, इसलिए अगर सर आते हैं ट्यूटोरियल लेते हैं फिर उसके बाद आपके साथ मिलते हैं। और ये वार्ड था जनरल सर्जरी का, ओटी है इधर मेरे पीछे, लेकिन इधर अभी मतलब पेशेंट्स थोड़े कम है ना, तो इसलिए अब कोई नहीं दिख रहा पेशेंट वगैरह, और नहीं सारे बेड्स मेट्स पड़े हुए होने चाहिए थे पेशेंट्स, लेकिन एक दो आते हैं मतलब इस तरह नहीं, लेकिन रमजान इसलिए कम हो गए, सही है ना। बस इधर ही हमारा चोलियस फ्लो था, इधर हम बैठते सर सामने बैठे, ब्लॉक व्लॉक नहीं कर सकते। बस आपको दिखा रहा हूँ ना कि थर्ड ईयर हमारा किस तरह जा रहा है, मैं पूरा थर्ड ईयर दिखाऊंगा अपना बाहर, सही है। इधर ओटी है फिर ये वाली। क्या हाल है? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो, डॉक्टर साहब बन गए। और ऐसे ही हम फर्स्ट ईयर में आए थे, आपको कुछ नहीं याद था, अभी आप डॉक्टर साहब बन गए, क्या तासर आते हैं इस वक्त? हाँ डॉक्टर दानिश कादिर चांडियो, आप अभी क्या अभी क्या था सुना थे? 2 साल हो गए माशाल्लाह से, आप क्या से क्या हो गए देखते देखते? और आपके साथ 2 साल हो गए क्या से क्या हो गए देखते देखते? को बताओ ना कुछ, क्या फील कर रहे हो? इतनी बड़ी आपकी लाइफ की ड्रीम पूरी हो गई, हॉस्पिटल में आ गए आप क्या? क्लिनिकल वर्क जो है उसमें वो इंजॉय बहुत करते हैं। अच्छा करना चाहिए, इधर हमारा पूरा हो गया लेफ्ट, हमारा जनरल एग्जामिनेशन था, तो एचओडी ने बहुत कुछ आंसर्स बताए। ओशोरा एलिफेंट डीएस, चलते अभी हमारा किधर है और सचिन चलो। तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा तुम्हारा ही जरूर, ये बताओ पहले। अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा तुम्हारा? सर्जरी में। अच्छा सर बैठे इधर हो? उधर कोई काम नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है, कराना पड़ता है। क्लिनिकल से थक गया रहा हूं, बदकिस्मती से हमारा लैब पहले आ गया डेंटल में, कौन सा ओरल सर्जरी, उधर हमारा कोई काम नहीं है, हमसे कोई काम नहीं कराते, ऐसे फारिग बैठे रहते हैं। तो ना ब्लैक में ब्लॉग बना सकता हूँ कुछ भी, मैं करते ही नहीं हूँ कोई दूसरे काम, करते नहीं, देखते भी नहीं, मना क्या देखें हम उधर। फोर्थ ईयर के टॉपिक से, फोर्थ ईयर में हाउस फोर्थ ईयर वाले भी इतने काम उनका नहीं है ना, हाउस जॉब का सारा काम है मुश्किल है ना, एक्सट्रक्शन वगैरह और ये। बस हम मैं और एचओडी तो सारा दिन बस इधर ही बैठे रहते हैं कसम से, कभी एक डिपार्टमेंट कभी दूसरा डिपार्टमेंट। अभी ये था थोड़ा हम पहले चले गए उधर, थोड़ा ब्लॉग शॉप बना लिया, वरना तो ऐसी लाइफ चल रही जिस तरह की स्कूल में आए हो ना, तब बस यार छुट्टी हो गई हमारे चलते ऐसे ही अपना प्लान चले। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का व्लॉग करते यहीं पे खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।
डॉक्टर जरहान चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. बाय बाय.